सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमित्रा नेगी पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, गौशाले से इस साइड आ रखी हूँ मैं, और मेरे साथ है मेरा छोटा वाला बंदर। हेलो बंदर, हेलो। इसको बुखार आ रहा है, सर्दी लगी है। तो ये वाली जो घास है बहुत ही अच्छी घास होती है, ये अगर काटो तो एक हफ्ते बाद फिर से ऐसी हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पर चूहे का आतंक, इसने यहाँ बहुत ही उधाड़ पिधाड़ कर रखा है। नीचे देखो पूरी मिट्टी मिट्टी निकाली है। और ये जो नीचे वाला हमारा खेत है, इस खेत में मसूर है, मसूर ही बहुत अच्छी हो रखी है। उसके नीचे साइड अभी घास है। और ये वाला जो खेत है इसमें मिर्च थी, तो मिर्च भी पक्के, जो पकी थी उसको निकालूंगी, अभी पक्के क्या झड़ भी गई है। और इस साइड जो है वो हल्दी है, और यहाँ इसे पापड़ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। ये जो मिर्च है मैं अभी इस मिर्च को निकालती हूँ। और यहाँ पर था एक बैंगन का पेड़, इस पर बैंगन लगे तो नहीं पर सो पीस है बस। ये रहा हमारा माल्टे का पेड़, अभी इससे हमने पूरे माल्टे भी निकाल लिए हैं, क्योंकि बंदर खा रहे थे तो हमने पूरे निकाल दिए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ये रहे वो माल्टे जितने हमने निकाले हैं। तो इतने माल्टे अभी ये कहीं देने हैं हमें, तो मैं इसलिए निकाल रखे ये। इतनी सी मिर्च तो मैंने अभी निकाल ली है, थोड़ी और बची है तो उसे भी अभी निकालती हूँ थोड़ी देर में। ये रही मिर्च, मैं इसे तोड़ती हूँ, अभी थोड़ी बहुत बची है, लास्ट वाली मिर्च है ये, तो इसे अभी निकाल लेती हूँ। नहीं बोलते चार दिन सावक हो जाए वाली मिर्च है ना। इतनी मिर्च, इतनी पूरी मिर्च निकाल ली है, इसमें अभी पूरा गर्दा गर्दा है, तो घर में जाके इसे साफ करती हूँ, घर में जाके बनाऊँगी इसे सही से, फिर सुखाने रखूँगी, हो जाएंगे हमारे लिए एक महीने के मिर्चे हैं ये। और इस साइड है थोड़ी बहुत मूली है, इस साइड में मिर्च थे मैंने निकाल दी है अभी। यहाँ पर है हमारा एक सेब का पेड़, इसकी आजकल कटिंग हो रखी है। ये रही हमारी भैंस, और ये है इसकी थोरी, ये दोनों भाई पानी वानी पी के आ गए हैं। अरे ये है हमारे बैल, भी पानी पी के आ गए हैं। अभी गौशाले का पूरा काम निपटा के अब चल रहे हैं हम घर की ओर। चलो आ जा, आ जाओ, चलो घर आ जाओ, चलो धीरे धीरे आओ नियाणी, मैं चल उतर स्टार्ट। तो अभी मैं गौशाले से घर पे आ गई हूँ, अब घर पे आई हूँ, अब खाना पीना बनाना है। देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। अभी मैं एक पहाड़ी डिश बनाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। आज हमने लस्सी बनाई है, तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आज पहाड़ी इसमें से छंछिया बनाओ, तो मैं बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। अभी मैंने आग भी जला ली है, तभी बनाऊँगी मैं खाना। हमेशा चूल्हे में ही बनाती हूँ, मेरे को चूल्हे में खाना बनाना सही लगता है। गैस में मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी जब मुझे टाइम हो रहा होगा तभी बनाऊँगी छोटी मोटी चीज़ें, नहीं तो मैं खाना हमेशा चूल्हे बनाती हूँ, क्योंकि जो स्वाद चूल्हे के खाने में आता है लकड़ी वाले चूल्हे के, वो स्वाद गैस में नहीं आता है। तो मुझे मतलब मुझे अजीब सा लगता है गैस में खाना बनाना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब हम लोग घर पे हैं, हमारे पास लकड़ियाँ सब कुछ साधन है घर का, तो हम खाना चूल्हे वाले जो हमारा लकड़ी वाला चूल्हा है उसी में बनाएँ। क्या फ़ायदा जब हमने घर पे गांव में रह के भी जब हमने गैस में ही खाना बनाना है, तो ये मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए हमेशा कभी कभी बनाऊंगी मैं गैस में, नहीं तो मैं हमेशा चूल्हे में ही खाना बनाती हूँ। जो छंछा मैंने बोला था उसकी रेसिपी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान सी है। गर्म पानी रख देना है कढ़ाई में, जिस बर्तन में आपने बनाना हो उस बर्तन में आप गर्म पानी रख दीजिए पहले, उसके बाद जो झंगोरा रहता है उसे धो धा के एकदम साफ धोना है उसे, उसमें क्योंकि जो पानी आता है मतलब अजीब सा, वो जो ऊपर छोटे छोटे बीह रह जाते हैं ना, तो बाद में फिर जो गर्म पानी रहता है उसमें उस झंगोरे को डाल देना है। फिर काफ़ी देर बाद जब तक वो पक ना जाए सही से, जब तक मतलब खूब पकाना है, जब वो पक जाए उसके बाद उसमें थोड़ी सी मतलब जितना आपको चाहिए उतना आपने उसमें लस्सी डाली है, छाछ बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ उसे छाछ बोलते हैं, उसे डालना है उसमें। फिर काफ़ी देर तक उसको पकाना है, फिर पकने के बाद अगर आपको नमक मिर्च वाला चाहिए तो आप नमक मिर्च वाला ही बना सकते हैं, अगर आपको सिंपल वैसे ही चाहिए तो आप वैसे, क्योंकि कोई कोई वैसे ही बनाते हैं राई डाल के, हरे पत्ते डाल के, तो वो भी सही स्वाद देते, लेकिन मैं आज सिंपल सा नमक वाला ही बनाऊँगी।
तो दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं छंछिया कढ़ाई में बनाऊंगी, तो कढ़ाई मैंने चूल्हे में चढ़ा दी है, उसमें मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, आग भी एकदम मस्त जल रही है। और ये रहा झिंगोरा, इसको मैं भी एक कप इसमें डालती हूँ, फिर से धोती हूँ। तो इस वाले पतीले मैंने भी झिंगोरा डाल दिया है एक कप, मतलब जिसे बोलते हैं एक सिर। तीन ही जने हम, तीन जनों के लिए एक इतना काफ़ी है, शायद ज़्यादा भी हो जाए। तो इससे पहले मैं धोती हूँ। अभी मैंने झंगोरा धो लिया है, तो मैं इसे अब इसमें पलटती हूँ कढ़ाई में। अभी जो झंगोरा इसमें था मैंने इस कढ़ाई में पलट, तो ये रहा वो झंगोरा जो मैंने पकने के लिए डाला है। अभी पका नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला था, तो जब पकेगा तब दिखाती हूँ आपको कैसा बनता है छंछे, क्योंकि इसे जितनी ज़्यादा देर पकाओ उतना ज़्यादा स्वाद देती है। और अभी बना रही हूँ मैं झंगोरा, आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ से झंगोरा क्या बोलते हैं, झंगोरा ही बोलते हैं, और जब इसे बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, छंछिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो झंगोरा, छंछिया, ये सभी चीज़ पुराने टाइम की है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो देखती हूँ बनता कैसा है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए बना रही हूँ अपने लिए। और आज है 24 दिसंबर, आज मेरी दीदी का बर्थडे भी है, तो उसको वैसे तो मैंने उसे विश कर लिया है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं उसे हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे दीदी, सदा खुश रहो, आपकी उम्र लंबी हो, आपका और आपका परिवार सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज थलीसैन में एक और कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ है युवा महोत्सव का, महिला मंगल दल द्वारा कुछ भी अपना नृत्य करो, नाटक, कुछ भी, तीन चीज़ें रहती हैं शायद वहाँ पे, तो करनी होती है। तो इस बार हम नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर ग्राम सभा से एक ही गांव को जाना होता है। तो आपको पता ही है कि गांव-गांव में ऐसे लोग रहते हैं कि जो, मतलब जो हमारा गाँव है बड़ा पपेणा गाँव है, पपेणा का ही हिस्सा हम हैं बालसेन, तो वहाँ के लोग हमें कुछ प्रदर्शन करना नहीं देते। पिछली बार भी हम गए थे तो उस टाइम भी हमें मौका ही नहीं मिला, तो इस बार हम गए ही नहीं। तो हमने कहा जाना भी क्या है, अपना पूरा दिन वहाँ जाओ बैठे रहो, फिर अपना कुछ भी जो हमने किया होता है नाटक वगैरह उसका प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो जाना भी क्या है, इसलिए हम गए ही नहीं इस साल। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर से अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, टाइम क्या मतलब अगर हमें भी अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएंगे। तो लोग गए हैं वहाँ पे, आज वहाँ पर थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो रहा होगा, मैं भी जा रही थी लेकिन नहीं गई मैं इसी वजह से। और ये जो छंछा होता है ना, लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो उतना ज़्यादा ही टेस्ट आता है इसमें, तो देखती हूँ अभी बाद में खा के कितना टेस्टी होता है। अभी जो ये छंछा है थोड़ा बहुत है पक गया है, तो मैं इसे थोड़ी देर मतलब और पकाने से मैं लस्सी डालती हूँ। अभी मैंने इसमें लस्सी भी डाल ली है, इसे अभी कुछ देर और पकाना है, ऐसे इसे चलाना है काफ़ी देर जब तक ये पके ना, क्योंकि अगर इसे चलाए ना तो ये जो लस्सी रहती है वो अजीब सी हो जाती है, फट सी जाती है, मतलब इसमें डाल के, तो इसे तब तक मैं चलाती हूँ। और इसमें भी थोड़ा नमक डालती हूँ इसमें, और इस वाले शीशी में रखा है मैंने नमक पीस के, इसमें मतलब सारे जो घर के हैं लहसुन, नमक, मिर्च, हरे मिर्च, लाल मिर्च सभी इसमें डाल रखे हैं, अदरक वगैरह जो भी मतलब घर के होते हैं, तो इसमें पीस रखा है मैंने, तो इसे मैं इसमें डालती हूँ। तो अभी मैंने इसमें नमक मिर्च सभी डाल लिए हैं, अभी थोड़ी देर और चलाती हूँ। अभी जो छंछिया था वो एकदम रेडी हो गया है बन के, बहुत ही मस्त कलर दे रहा है अभी, येलो येलो वाला, तो अभी खा के बताऊँगी कैसा लग रहा है। अभी मैं इसमें तब तक ढक्कन रख देती हूँ जब तक सभी आते हैं घर पे खाने के लिए। अभी जो इसमें नमक था वो मैंने पूरे उसमें डाल दिया है, तो ये ख़त्म हो गया है, तो मैं दोबारा से पीस रही हूँ, क्योंकि ये बाद में सलाद के लिए और कल के लिए फिर हो जाएगा। पीस रही मैं अभी ये पूरा सब मिला के, इसमें नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ है इसमें, लौंग वगैरह। मेरी आज की स्पेशल थाली ये है छंछिया, ये घर के संतरे है, घर की मूली है, और ये है कटहल का अचार। तो जब दिखने में इतना टेस्ट हो रहा है तो खाने में तो और भी टेस्टी हो रहा होगा, तो मैं एक बार चख के बताती हूँ कैसा हो रहा है। आप लोग भी आइए और इस खूबसूरत मौसम में इस खूबसूरत डिश का आनंद लीजिए, बनाना आप भी कभी अपने घर में और देखना कैसी लगती है। मस्त हो रहा है एकदम अचार, और एक घर की मूली।
मैंने ही बनाया है, लेकिन बहुत ही मस्त हो रहा है। आप भी ज़रूर बनाए अपने पे घर पे। ये जो मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी हो रहा है। अभी और आए नहीं हैं, लेकिन इसे देख के मुझे भी भूख बढ़ सी गई थी, तो मैं तब से थोड़ा चख रही हूँ जब तक और आते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सुमित्रा नेगी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। और आज का जो मौसम है ना, बहुत ही अजीब सा हो रखा है। शायद जो परसों मेला है कन्नूर में, बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो देखते हैं कल तक क्या होता है। तो बाय बाय।